राजस्थान में नए केसों की संख्या 13 दिन में 4 गुनी बढ़ गई है। इस वक्त हम राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े RUHS जो कोविड डेडिकेट हॉस्पिटल है उसके अंदर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, अस्पताल के अंदर आके जाकर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि क्या हालात है यहाँ पर। ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी को सामने वाली तस्वीर दिखाएं, भयावह तस्वीरें हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोविड पेशेंट्स जो भी आ रहे हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, क्योंकि हालत बड़ी भयावह है। इस साइड आप देख सकते हैं लगातार मरीज आ रहे हैं। सुबह जब हम आए थे तो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मरीज थे। सामने की तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं किस तरह से एक मरीज अभी वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हालत ख़राब है। बात करें इस अस्पताल की तो यहाँ पर 1142 जो बेड हैं वो हैं, उसमें से 616 बेड फुल हो चुके हैं। साथ ही जो ICU के बेड हैं वो 161 हैं, जिसमें से 108 मरीज भर्ती हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जो कोरोना की दूसरी लहर है वो पिछली बार के मुकाबले 4 गुना मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में भयावह हालात हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं RUHS अस्पताल में, उनके अधीक्षक हैं डॉक्टर अजीत खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, व्यवस्था किस तरह से आप संभाल रहे हैं? क्योंकि RUHS की बात करें तो 1100 ज़्यादा बेड्स आपके पास उपलब्ध हैं, 616 से ज़्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, लगातार भयावह स्थिति हो रही है, किस तरह से हालातों पर आप काबू पा रहे हैं और पूरे राजस्थान का लोड इसी अस्पताल पर? डेफिनेटली जिस ढंग से RUHS को राज्य सरकार ने स्टेट का डेडिकेटेड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ पर जो बेड की व्यवस्था है वो 1200 बेड के आसपास है, उनको देखते हुए पिछले 4 दिन का अगर मैं फिगर आपके साथ शेयर करूँ तो 105 एडमिशन 11 तारीख को, फिर उसके बाद 120, फिर इसके बाद वापस 105 और कल 24 घंटे के हमारा जो फिगर है भर्ती मरीजों का वो करीब 150 टच कर चुका है। इस ढंग से पिछले 4 दिन में अगर हमारे पास 450 से 500 पेशेंट भर्ती होते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि 1200 बेड की कैपेसिटी के अस्पताल पर कितना दबाव होगा। निश्चित तौर पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 50% बेड ऑक्यूपेंसी के साथ, अभी भी हमारे पास 50% बेड ऑक्यूपेंसी है। जनरल वार्ड में पूरी तरह से बेड उपलब्ध हैं अभी भी। ICU बेड जो 1200 की स्ट्रेंथ मैंने आपसे बताई उसमें से 205 बेड हमारे ICU के बेड हैं, जिनके ऊपर वेंटिलेटर्स, मल्टीपेरा, सारी तरह से जो एडवांस क्रिटिकल केयर की मशीनें होती है वो सब इंस्टॉल्ड हैं। उनके बावजूद भी अभी भी हमारे पास ICU के अंदर करीब 108 पेशेंट का फिगर है। तो इसको देखते हुए सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ काफ़ी पिछली लहर के मुकाबले है और इसमें ये फील्ड के अंदर लड़ने वाली लड़ाई है। कोविड पेंडेमिक को अगर हम फील्ड में सजग नहीं रहेंगे तो ये पेशेंट का फिगर और बढ़ेगा। जिस ढंग से राजस्थान का फिगर है वो डे बाय डे 5,500-6,000 के लगभग 24 घंटे में टच कर रहा है और जयपुर का फिगर भी 1,000 के आसपास टच कर रहा है और उसके साथ यहाँ पर जो भर्ती मरीजों का फिगर भी डे बाय डे बढ़ रहा है, ये एक थोड़ा सा चिंता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इसके लिए हम पूर्ण रूप से सजग हैं। डॉक्टर अजीत, लगातार जिस तरह से आप कह रहे हैं 3-4 दिन में आंकड़े बढ़ रहे हैं, पीछे 24 घंटे में लगातार आंकड़े बढ़े, 612 मरीज हो चुके हैं, लेकिन स्टाफ महज 150 का है। मैं कुछ लोगों से यहाँ बातचीत कर रहा था, उनका कहना था कि पूर्ण रूप से सुविधा उनको नहीं मिल पा रही, तो क्या स्टाफ बढ़ाने की भी कोई बातचीत आपने की है आपके प्रशासन से? बिल्कुल, डॉक्टर भंडारी साहब, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर साहब, पूर्ण रूप से, प्लस हेल्थ सेक्रेटरी साहब सिद्धार्थ महाजन साहब ऑलरेडी इस पर एक्सरसाइज कर चुके हैं। करीब 150 से 200 का नर्सिंग स्टाफ अर्जेंटली हम डिप्लॉयड करने जा रहे हैं। विद इन 24 घंटे के अंदर हम सारे के सारा नर्सिंग स्टाफ को डिप्लॉयड करके जो पेशेंट केयर है उसके अंदर काफ़ी हद तक हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसको देखते हुए जो एक पेशेंट केयर पेशेंट जो IPD में आ रहे हैं उनको किसी तरह की ये शिकायत नहीं हो कि साहब हमारा इंजेक्शन नहीं लगा, हमारे को दवाई नहीं मिली, ये हम इम्प्रूव कर लेते हैं। वो हमें कुछ केसेस में स्टाफ की कमी से महसूस जरूर हुई लेकिन उसको हम पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इसको तुरंत प्रभाव से 150 से 200 नर्सिंग स्टाफ डिप्लॉयड करने जा रही है, वो हमारी आने वाले समय में पेशेंट केयर और इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल, डॉक्टर अजीत सिंह थे, खास बातचीत की RUHS के, यहाँ पर पूरा RUHS की देखभाल कर रहे हैं, यहाँ पर RUHS के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मास्क की वैक्सीन है, हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे मास्क लगाए, 2 गज दूरी का पालन करें। साथ ही इन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे के अंदर चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 150 से ज़्यादा पेशेंट इस डेडिकेटेड अस्पताल में आ चुके हैं, तो राजस्थान में भी भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप सजग रहिए और अपने आसपास अगर आपके इधर धार्मिक आयोजन हो रहा है तो कृपया करके, अगर नहीं करें भी तो सोशल डिस्टेंस की पालना करें, तमाम कोरोना की जो गाइडलाइन बना रखी है उसकी पालना करें, नहीं तो ये कोरोना आपकी जान ले सकता है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानंदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।